जहाँ दिन में जीवन चहल पहल से भरा था, वही रात होते ही यह गांव डरावनी खामोशी में समा जाता। यहाँ के लोग गजब सी छाया के भय में जीते थे, जिसे काल रात्रि की छाया कहते थे। किसी ने उसे देखा नहीं था, पर हर कोई उसकी कहानियों से वाकिफ था। कहा जाता था कि जो भी इस छाया के संपर्क में आता है, वह फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाता। रमेश एक युवा और साहसी लड़का, जिसने हाल ही में सर से काम अपने दादा दादी के पास रहने के लिए आया था, इन कहानियों को सिर्फ एक पुरानी दंत कथा मानता था। उसने कभी भी किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं किया था, उसकी नज़र में ये सब अंधविश्वास था। लेकिन उसके दादा दादी उसे बार बार चेतावनी देते थे कि वह रात में घर से बाहर ना निकले, खासकर अमावस्या की रात को। एक दिन रमेश के कुछ दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह रात में गांव के पुराने कुएं तक जाकर वापस आ जाए तो उसे बहादुर मानेंगे। रमेश ने बिना सोचे समझे यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा, क्या बड़ा होगा, अंधेरे में कुछ कदम चलना है और बस। अमावस्या की रात आई, आसमान में कोई तारा नहीं चमक रहा था और पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। रमेश अपने हाथ में एक लालटेन लेकर घर से बाहर निकला। उसकी दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर साबित करने के लिए दृढ़ था। वह गांव के संकरे रास्तों से होता हुआ पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में अजीब सी आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। वह आवाज़ें किसी इंसान की नहीं लग रही थी, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। धीरे धीरे वह गांव से दूर कुएं के पास पहुंचा। वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा था। रमेश ने लालटेन को ऊंचा उठाया और कुएं की ओर देखा। कुएं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रमेश ने सोचा, शायद यही डरावनी कहानियां हैं। तभी कुएं से एक काली छाया निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वह छाया इतनी भयानक थी कि रमेश के शरीर का हर हिस्सा डर से कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके हाथ से लालटेन गिर पड़ी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने भागने की कोशिश की और उसकी टांगें जैसे जड़ हो गई थी, बस वह खड़ा रह गया बिना हिले डुले। छाया ने उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसे अपने कब्जे में लिया। रमेश के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जो उसे अपनी होश खोने पर मजबूर कर रही थी। वह छाया जो अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी, एक विकराल हंसी के साथ हंसने लगी। वह हंसी उसके दिल की धड़कनें रोक देने वाली थी। अचानक रमेश को महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो रही है, उसकी आंखों के सामने अंधकार गिरने लगा है। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। आखिरी क्षण में उसने खुद को बचाने के लिए जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज़ कुएं के अंधकार में खो गई। गांव वालों ने अगले दिन रमेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिला। उसके दादा दादी और दोस्त भी उसकी खोज में लगे रहे, पर सब बेकार रहा। जब वे पुराने कुएं के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ सिर्फ उसकी टूटी हुई लालटेन और कुछ जले हुए कपड़ों के टुकड़े मिले। रमेश की रहस्यमय गुमशुदगी ने पूरे गांव को सन्ने में डाल दिया। लोग अब भी पहले से ज़्यादा डरने लगे। अब यह मानने लगे कि काल रात्रि की छाया सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। गांव के बुजुर्गों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, ताकि वह छाया कभी किसी और की जान ना ले सके। कुछ दिनों बाद गाँव के बच्चों ने एक नई बात देखी। जब भी रात को कोई कुएं के पास देख करता तो उसे वहाँ से अजीब सी हंसी की आवाज़ें सुनाई देती। कहा जाता है कि वह रमेश की आत्मा की हंसी थी, उस साया के साथ कुएं में कैद थी। उस घटना के बाद बद्रीपुर गाँव का नाम बदलकर काल रात्रि गाँव रख दिया गया। लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, वे कभी रात में गाँव में नहीं रुकते। इस कहानी का शिक्षा, हर जगह पर छिपे रहस्यों का अपना समय और स्थान होता है, उन्हें चुनौती देना हमेशा सही नहीं होगा। इन जगहों से दूर रहे। कहानी पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए शानदार और कहानी के साथ।